विजय वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लक्ष्मण सिंह लंगड़िया जी, श्याम नारायण पांडे जी, शंकर दत्त पांडे जी, गोविंद सामंत जी, सुभाष कबोली जी, हमारे मंचा सिंह, सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मंडलों से आए हुए हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पंचायत के सदस्य, सभी ग्राम सभा के हमारे ग्राम प्रधानगण एवं पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, श्री ललित कुंवर जी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष एवं हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, जिन्होंने जनपद चंपावत में अनेक अनेक कामों को आज शुरू करवाने का प्रयास किया है, जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे जी, एसएसपी श्री अजय गणपति जी, पूरे प्रशासन की टीम और जनपद चंपावत की आज बहुत ही विशाल संख्या में चंपावत और लोहाघाट दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के और संपूर्ण जनपद से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारी मातृशक्ति, जिन्होंने आज बहुत अपार संख्या में यहाँ पर भाग लिया है, मैं आप सभी को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में और आप सबके बगल की विधानसभा चंपावत के विधायक के रूप में भी आप सबको मैं नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में आकर आज यहाँ भाग लिया है। आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए आज बहुत ही ये प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि मुझे आज इस संगजू कार्यक्रम के माध्यम से सभी माताओं और बहनों का अपार इसने आशीर्वाद मिला है। मैं कल रात्रि का शाम से ही मैं जनपद चंपावत में हूं, रात्रि का विश्राम भी यही कि हमने इसी जनपद के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र गुंदेश के गांव में किया था, और तब से लेकर अभी तक जिस प्रकार से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं, मैं कह सकता हूं कि आप सभी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उससे मुझे प्रदेश की जनता की और अधिक सेवा करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्राप्त हुई है। मैं आप सबका दिल से, आप सबने मेरा जितना स्वागत किया है, मैं भी आप सबका हृदय की गहराइयों से दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे द्वारा चंपावत और लोहाघाट के संपूर्ण विकास के लिए लगभग 53 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और 108 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद हम जो आदर्श चंपावत का जो हमने संकल्प लिया है, स्वप्न देखा है, वो स्वप्न भी साकार होगा, हमारा जो संकल्प है वो संकल्प भी हमारा धरातल पर उतरेगा। हमारी नारी शक्ति, मातृशक्ति ने अपने कामों से, आत्मबल से और आत्मविश्वास से आज हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। जिस प्रकार से मैंने देखा है यहाँ पर आज अनेक स्टॉल, अनेक प्रदर्शनियां लगी हैं, उन सभी में बहुत अच्छा काम आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। आज हमने जिस प्रकार से यहाँ पर देखा है, एक से एक अच्छे उत्पाद बनाने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं, और मुझे खुशी हुई, उन्होंने कहा कि आप सबने हमको प्रोत्साहन देने का काम किया है, छोटे छोटे उद्यम करने का रास्ता दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही स्वप्न और यही संकल्प है कि मातृशक्ति को आगे लाया जाए। आखिर हमारी जो न्यू इंडिया का सपना है, यही तो है जहां पर हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें सशक्त हों, सबल हों, आत्मनिर्भर हों और देश के विकास में उनकी बराबर की भागीदारी हो, बराबर की हिस्सेदारी हो। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार
देश के अंदर राजनीति के एजेंडे की धुरी को बदलने का किसी ने काम किया है, किसी ने इसमें परिवर्तन लाने का काम किया है, तो वो हमारे देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने माताओं बहनों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम देश में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नए भारत का और बुलंद भारत की आने वाले भविष्य की तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। नए भारत की तस्वीर में हमारे देश के अंदर महिला पीछे नहीं, बल्कि अब महिलाएं, हमारी माताएं बहनें अब पीछे न रहकर बल्कि देश का नेतृत्व करने के लिए हर क्षेत्र में आज नेतृत्व देने के लिए सबसे आगे खड़ी है हमारी माताएं बहनें। आदरणीय मोदी जी की आदि मोदी जी की जो नीतियां हैं उन नीतियों में हमेशा जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, दीदी भूली हैं, इजा बहनी हैं, उन सब को आगे लाने के लिए उन्होंने जो काम किया है आजाद भारत के इतिहास में वो पहली बार हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी, जो स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, यहाँ पर मायावती में आकर स्वामी जी ने कई दिनों तक यहाँ प्रवास किया था, अपने जीवन की साधना की थी। मैं कह सकता हूँ स्वामी जी कहा करते थे, जब आत्मा में किसी प्रकार का कोई लिंग भेद नहीं है, आत्मा मनुष्य की हो, पुरुष की हो, स्त्री की हो, सबकी समान है, तो महिला और पुरुष में लिंग भेद करना किसी भी रूप में ये न्याय संगत नहीं है। यह न्याय का काम नहीं है कि जिसमें हम महिलाओं को कहीं पीछे रखें। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने भी आज आधी आबादी जो देश की है, उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली जो हमारी मातृशक्ति है उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए और समान बनाने के लिए, सबको समान अधिकार देने के लिए हम प्रदेश के अंदर समान नागरिकता का विधेयक लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कानून प्रदेश की जनता को समान अधिकार देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और यह आधी आबादी जानते ना कौन है? आधी आबादी आप लोग हैं। आधी आबादी का हम पूरा कानून लेकर आए हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धार्मिक और लैंगिक भेदभाव को खत्म कर आदर्श समाज का निर्माण करना है। यह विधेयक किसी पंथ धर्म के खिलाफ नहीं है। यह बिल अगर खिलाफ है तो जो धर्म की आड़ में चलने वाली कुप्रथाओं के खिलाफ है, भेदभाव और असमानता के खिलाफ है, महिलाओं के मारे जा रहे हक के खिलाफ है समान नागरिक संहिता का कानून। धर्म के चंद ठेकेदारों ने अपने विकृत और पुरुषवादी सोच के जरिए सालों साल जो हमारी महिलाओं के साथ अन्याय किया है, ये कानून उनके खिलाफ है। माताओं बहनों, आज हमारे देश की महिलाएं खेत में अनाज उगाने से लेकर अंतरिक्ष तक, आपने देखा होगा अभी जब चंद्रयान हमारा चंद्रमा में पहुंचा था, उसको पहुंचाने में भी बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़े हमारे वैज्ञानिक मातृशक्ति महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप खेल का मैदान हो या सेना की कमान संभाल लो, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की जो सरकार है वो एक समरस समाज बना रही है, जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार देने का काम हो रहा है। देश में तीन तलाक जैसी कुप्रथा का खात्मा हुआ है। अभी अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम, हमारे अजय टमटा जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भी वहां वोटिंग करी, सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पास हुआ और महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था विधानसभा और लोकसभा में सुनिश्चित कर दी गई है। शौचालयों का निर्माण हो, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस के सिलेंडर का आवंटन हो, आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास में महिलाओं को आवास देना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए अनेकों कार्य ऐसे किए हैं। हमने भी प्रदेश में
उनकी प्रेरणा से राज्य के अंदर 30% आरक्षण देने का काम हमने हमारी विधानसभा के अंदर विधेयक के रूप में पहले ही सुनिश्चित कर दिया है। और वर्ष में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां गरीब परिवारों का वहां की हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए हमने वर्ष के अंदर 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क देने का काम भी हमने प्रारंभ किया है। 1,82,000 परिवारों को निःशुल्क रूप से सिलेंडर दिए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश में वृद्धि करना, महिलाओं के लिए बहुत सारे नए काम हमने प्रारंभ किए हैं। अब मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी वर्ष 22 जनवरी को पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के उद्घाटन का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना है। हम सब रामलीला मैदान में हैं, भगवान राम का मंदिर बन गया है। आप लोगों ने भी अयोध्या में बने भव्य और दिव्य राम मंदिर में श्री रामलला की सुंदर विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह टेलीविजन पर या आपने इंटरनेट पर या मोबाइल पर देखा होगा। देखा या नहीं देखा, जरा जोर से बोलिए। क्या मोदी जी के बिना ये मंदिर बन सकता था? तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है बताइए? मोदी जी के बिना ये मंदिर बन सकता था क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनके बिना ये अयोध्या में राम मंदिर की कल्पना साकार नहीं हो सकती थी। ना ही कश्मीर से धारा 370 समाप्त की जा सकती थी। माताओं बहनों, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर दिन प्रत्येक देशवासी, विशेष रूप से हमारी महिलाओं के लिए संघर्ष को कम करने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मैं आज लंबे समय तक उत्तराखंड में जिनकी सरकार रही है, उत्तराखंड में भी और देश में भी, विपक्ष के सम्मानित जो हमारे नेतागण हैं, हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए जितने काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किए हैं 10 वर्षों में किए हैं, उतने काम आपके क्या 60 साल के शासनकाल से भी अधिक समय में आपके राज में ये सारे काम क्यों नहीं हुए? ये केवल प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न मेरी माताओं बहनों का भी है कि माताओं बहनों के लिए 60 साल तक जिस पार्टी की सरकार रही उस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। इसका एक ही जवाब हो सकता है कि नियत में कमी थी और केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, देश में अब तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण के लिए काम करने वाली सरकार काम कर रही है। माताओं बहनों ने पिछले दिनों हमने देखा, आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी हल्द्वानी में अराजक तत्वों ने बनबुलपुरा क्षेत्र में महिला पुलिस के जवानों के साथ भी, पत्रकारों के साथ भी, पत्रकारों के ऊपर जो वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने गए हुए थे, पत्रकारों के कैमरे छीन लिए गए, उनको डंडों से मारा गया, उनको पत्थरों से मारा गया, आग में उनको फेंकने तक का प्रयास किया गया। पुलिस के हमारी जवान बहनों को भी, जवानों को, पुलिस की जवानों को भी इसी प्रकार से उन पर आत्मघाती हमला किया गया। मैं उन आप सबके बीच में भगवान राम के इस प्रांगण से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक शांतिपूर्ण प्रदेश है, ये देवभूमि है, देवभूमि का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मैं दोहराना चाहता हूं कि अराजक तत्वों और अवैध कब्जा धारकों के प्रति हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई जारी रखेगी और जो दंगा करने वाले हैं उनको उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। आप लोग ही बताइए, आप लोग बताइए, एक बार हो रहा था कि यहाँ का चंपावत का लोहाघाट का ये कार्यक्रम भी कैसे होगा, कि हमें दंगा करने वालों के खिलाफ सख्ताई नहीं बरतनी चाहिए क्या? जिन्होंने हमारी पुलिस की बहनों के साथ मारपीट की है, पत्रकारों के साथ मारपीट की है, उनके साथ सख्ती होनी चाहिए ना? बताइए आप लोग जोर से, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए। मेरी माताओं बहनों, हम चंद राजाओं की इस प्राचीन राजधानी चंपावत को, माँ पूर्णागिरी का, माँ गोलजू का, बाराही मैया का, गोरखनाथ बाबा का, अनेक देव स्थलों का
सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से इस जिले को श्रेष्ठ जिला बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आदर्श जिला चंपावत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे द्वारा पूरे कार्य किए जा रहे हैं। इन कामों को हमारा एक एक अधिकारी, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक सुप्रिंटर अंतिम व्यक्ति तक इस विकास की धारा को पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। चंपावत में विकसित विकास का जो मॉडल है, चंपावत विकसित का मॉडल, आदर्श चंपावत का मॉडल उत्तराखंड समेत अन्य जो राज्य है हमारे हिमालय राज्य, उन राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करेगा। इसे राज्य के अन्य जिलों में भी दोहराया जाएगा। जनपद में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती, स्थानीय मसालों की खेती, मार्केटिंग और होम स्टे निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन, तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अनेक विशिष्ट कार्य योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। चंपावत के शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी जनपद बनाने के लिए शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा का चंपावत में कैंपस भी बनाया गया है। इसके साथ साथ मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि महिला स्पोर्ट्स कॉलेज जो हमारे उत्तराखंड के अंदर अभी बनना है, उसके लिए भी हमने कोई भूमि का चयन किया है, कोई स्थान चयन किया है, तो वो आप ही के लोहाघाट का चयन किया है। यहीं पर चंपावत में यहाँ पर उसकी भूमि, नेशनल स्टेडियम भी तैयार है। तो चंपावत को हर क्षेत्र में आज विकास के रास्ते पर आगे लाया जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जिले के सभी विद्यालयों के भवन जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, साथ ही आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं क्षेत्र के हमारे जितने भी मंदिर हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसमें चंपावत के भी अधिकतर मंदिर शामिल हैं। नए उत्तराखंड के संकल्प में साहसिक पर्यटन हमारी प्राथमिकता है, चाहे वो पंचेश्वर में होने वाला हो या टनकपुर भूम महाकाली में हो या कोली ढेक में हो, ऐसे अनेक स्थान जो हमारे नए बन रहे, चाहे आज वो हमारा बयामधुरा बाबा का स्थान हो, चाहे अन्य स्थान हो, सभी स्थानों को डेवलप करने का काम हो रहा है। साहसिक खेलों को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाते जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। आज हमारा युवा उत्तराखंड एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि एक नई कार्य संस्कृति को लेकर हमारी सरकार पूर्ण सुशासन को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और ये हमारी प्राथमिकता है। मुझे पूरा विश्वास है देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के साथ ही चंपावत को अग्रणी जनपद बनाए जाने के लिए हमारे प्रयासों में आप सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। मुझे यह विश्वास है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहन है, उनका ये समर्थन हमारी सरकार को सशक्त मातृशक्ति, सशक्त राज्य के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। मैं यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति को देखकर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार आपने समय समय पर अपनी क्षमताओं से प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसी प्रकार आप हमारा जो संकल्प है, श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प, श्रेष्ठ चंपावत का निर्माण विकल्प वही संकल्प, इसकी सिद्धि के लिए भी अपना योगदान सुनिश्चित करेंगी। मैं आज आप सबको ये वचन देता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पर चंपावत में अनेक काम जो लोहाघाट क्षेत्र में हो रहे हैं, उनमें से मैंने अभी बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए जो भूमि 495 नाली खेल विभाग को हस्तांतरित होते हुए हो गई है, उसकी डीपीआर गठन चल रहा है। इसी प्रकार से रामलीला मैदान के समीप सांस्कृतिक मंच का निर्माण, इसके लिए भी 1,09,00,000 की लागत से किया जाएगा, इसकी भी वित्तीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान कर दी जाएगी। लोहाघाट के अंतर्गत 7,08,00,000 की लागत से 3 स्थलों में टीआरसी नगर पालिका गैस गोदाम लोहाघाट पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। रीठा साहब देवी दुरा में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य हो रहा है। लोहाघाट नगर के लिए सरयू पंपिंग
पेयजल योजना का निर्माण कार्य की डीपीएन कार्य हेतु सर्वे कार्य के लिए 1,39,00,000 का आकलन शासन को भेजा गया है। तत्काल